उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा है, जहां हमलावरों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीम आरोपियों के बारे में पता लगाने के लिए कई अहम सुराग ढूंढने के लिए लगातार दबिश दिए हुए हैं और कई अहम सुराग मिल चुके हैं, ऐसी जानकारी छनकर आ रही है। कुछ आरोपी प्रयागराज में ही छिपे होने की खबर अभी सामने आई है, जिसमें जेसीपी, डीसीपी, डीसीपी सिटी, एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। चकिया इलाके में एसटीएफ की टीमें दबिश दिए हुए हैं। और सपा एमएलए पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। वहीं पूजा पाल ने सीएम योगी से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी ने सुरक्षा देने का भरोसा भी दिया और सीएम योगी ने कहा कि सभी गवाहों को सुरक्षा मिलेगी और वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें कि राजूपाल मर्डर केस में पूजा पाल गवाह है और सभी गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। प्रयागराज हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र को लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया। उमेश पाल की हत्या के दौरान सुरक्षा में तैनात राघवेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें प्रयागराज से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ लाया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिपाही राघवेंद्र को लखनऊ लाया गया है। अब लखनऊ के पीजीआई में घायल सिपाही का इलाज होगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया